देश के कई राज्यों में किसान आंदोलन लगातार जारी हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। वहीं मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि अंग्रेजों के समय किसानों की हालत काफी अच्छी थी, अब किसानों को भी अच्छा लाभ मूल्य मिलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के मंदसौर दौरे पर रामदेव ने कहा कि किसानों के आंदोलन में घी डालने का काम राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही रामदेव ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई नीतियां बनाई हैं, लेकिन अब उन नीतियों को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। किसान आयोग बनाकर किसानों के हितों पर काम करना होगा। वहीं इसके साथ लगातार किसान आंदोलनों को हाशिए पर रखने और उनको राजनीतिकरण करने के बारे में बाबा रामदेव ने कहा कि किसानों के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। सभी जगह किसान नाराज हैं। देश के अन्नदाता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं किसान अपने मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 किसानों ने खुदकुशी की, तो वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस गोलीबारी में 5 किसानों की मौत हो गई है, जिसको लेकर देश भर में माहौल गर्म है।